हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। और आज अपन जाएंगे वागेश्वर मंदिर, जो कि वागोली में मेरे घर से 10 से 15 मिनट की दूरी पे है। ये मेरा पूरा नगर हाईवे का सीन है, जो कि मैं बाइक पे जाते समय शूट कर रहा था। काफ़ी अच्छा हाईवे, बचपन से इस पे जाता आता रहा हूँ। सच में ये रोड पूरा का पूरा ऐसा ध्यान में है, इस पे कभी ज़्यादा कुछ देखना वेखना नहीं पड़ता है। लगभग पूरा का पूरा रोड ऐसा दिमाग में छप ही चुका है। इसके बीच में से बहुत से शॉप्स जाते हैं, जो कि हम रेगुलर भी जाते हैं उस पर। मिसल का है, आगे पाव भाजी का भी है, वो भी बहुत अच्छा है। कभी एक बार चांस मिले तो ज़रूर दिखा दूंगा, वो भी बहुत मज़ा आता है। ये पूरा का पूरा रोड, उसके शॉप्स, उस पर घूमना, वाकई में एक अच्छा फीलिंग आता है। इससे अच्छा शाम को बहुत मज़ा आता है। शाम को तो फुल रेसिंग भी कर सकते हैं, मज़ा आता है। रेसिंग का तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अच्छा सीन क्रिएट होता है शाम को। मैं जब जा रहा था, ये PMT तो काफ़ी तकलीफ़ दे रही थी, ये जाने ही नहीं दे रहा था। ये पूरे रोड में बीच बीच में आके बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। इसने कई बार मेरी वीडियो भी ख़राब कर दी थी। तब बुरा भी लग रहा था, लेकिन चलो ठीक है, हमारे इधर आए, इसको लाल परी बोलते हैं। ये महर्षि हसन की है, लेकिन चलो सही है, परिवार मंडल की अपनी है, जैसी भी हो। तो ये जो टर्न आ रहा है, ये मेरा बहुत फेवरेट टर्न है, जो कि हमारे यहाँ से जाते समय ये लोनिकन के आगे जाते हैं। ये लगभग ऐसा घाट वाला फील देता है, पूरा का पूरा हाफ राउंड वाला टर्न। मज़ा आता है इस पर गाड़ी चलाते समय। आजू बाजू के शॉप्स वाले भी अच्छे जान पहचान वाले हैं। देखो ये भाई साहब मेरे को बहुत हॉर्न मार के आगे गए थे, दिमाग थोड़ा ख़राब हो रहा था, लेकिन वो चलो ठीक है, उनको भी थोड़ा घाई में होंगे। तो अब इस पूरे मोमेंट में जाके अभी अपन निकलेंगे सीधा वागेश्वर मंदिर में, जो कि एंट्री काफ़ी अच्छी है। उसका मेन गेट तो पूछो ही मत, पूरा ऐसा वाइब आता है उधर। तो ये रहा हमारे मंदिर का मेन गेट, ये बहुत फेमस मंदिर है हमारे यहाँ। अंदर का एम्बियंस तो बोलो ही मत, इतना अच्छा और इतना खूबसूरत है, इधर तो दिन भर भी रह सकते हैं, आगे तो आप देखेंगे ही। चलो लगभग पहुंच ही गए अंदर। इस साइड तो अच्छे भीड़ लगी थी, ये राइट साइड को थोड़ा स्मशान वाला एरिया है, क्योंकि ये भोले बाबा का मंदिर है तो स्मशान घाट तो होगा ही। इसके लेफ्ट वाला जो साइड है, उधर ऐसे थोड़ा नॉर्मल गार्डन टाइप जैसा है ये वाला एरिया। यहाँ कॉर्नर में एक मंदिर है जो कि काफ़ी पुराना है, यहाँ बहुत से लोग आते हैं। आज तो चलो बुधवार था, लेकिन ऐसे ही गया था, सोचा थोड़ा काम भी हो जाए और दर्शन भी हो जाएंगे। मुझे कपल दिख रहा है, इनका तो फोटोशॉपिंग का अलग ही फेवर चल रहा था। मैं सोच रहा था बीच बीच में आ रहे, लेकिन बाद में बोला चलो जाने भी दो, अपन ही बात जोड़ जाते। और जैसे ही मैं अंदर गेट के पास गया और सामने देखता हूँ, बस दिल खुश हो रहा था। तो यहाँ सामने एक बड़ी सी घंटा लगी है, इसके आगे जाते ही अपन नंदी महाराज को पैर पड़ के आगे फिर मंदिर में एंटर करेंगे। ये रहा मंदिर का पूरा व्यू, यहाँ से पूरा मंदिर कवर हो जाता है। बहुत खूबसूरत मंदिर है सच में, यह पहले ऐसा नहीं था, ये डेवलप होते 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 अभी इतना अच्छा हो गया है। और ये रहे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ये भोलेनाथ ही जो है, जो संकट हर देते, सब इच्छाएं पूरी करते, इन्हीं पे तो चल रहा है सब। ये पूरा मंदिर का अंदर का व्यू है, जो काफ़ी खूबसूरत है, वेल मेंटेन, और पूरा का पूरा ऐसा वाइब आता है। थोड़ी देर बैठने के बाद हम थोड़ा बाहर भी जाएंगे, फिर आपको आगे वाला दिखाऊंगा। आगे वाला तो बहुत ही अच्छा है, बाहर साइड का व्यू तो काफ़ी खूबसूरत है, ये अंदर का तो मस्त है ही। ये फिर बाद में हम प्रदक्षिणा कर रहे थे। इसमें मंदिर के लेफ्ट साइड से पूरा घूम के राइट साइड तक आते और सामने आके भगवान जी को प्रणाम करते। ये वाला सेक्शन भी बहुत अच्छा है, पूरा का पूरा अभी बना है, काफ़ी खूबसूरत है, पूरा का पूरा हाइजीन है, मतलब ऐसा कोई गंदगी वगैरह है दिखेगा ही नहीं। ये राम मंदिर का पूरा व्यू काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ के जो अंदर की शांति और एक गुड फील वाला जिस फील आता है ना, वो कहीं नहीं आता। जब भी मैं लो फील करता हूँ या लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है या कुछ एनर्जी की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। सच में भगवान होते हैं
फील आता है आके यहाँ। हर बार भगवान ही आएंगे सबको बचाने, सब प्रॉब्लम सॉल्व करने। तो गाइस इसी पे रैप अप, मिलेंगे अगले ब्लॉग में।